हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ श्रेया और आप सभी का स्वागत है मेरा सपना मेरा किचन में। तो दोस्तों, आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, जिसे आप खा के चिकन मटन चिकन बिरयानी सब कुछ भूलने वाले हो। यकीन मानिए दोस्तों, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है कि इसके आगे तो चिकन और मटन बिरयानी सब कुछ फेल है। एक बार आप ज़रूर बना के सब्ज़ी देखें। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं चिकन मटन वाली सब्जी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कटहल। हाँ जी, कटहल की सब्जी बनाएंगे और यकीन मानिए दोस्तों, बिल्कुल चिकन मटन को फेल करने वाली है। तो यहाँ पे मैंने चिकन का ही नाम निकल रहा है। यहाँ पे मैंने कटहल लिया है और कटहल को ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है दो प्याज, दो चार लिया है मैंने, दो बोल रही हूँ, दो अलग काट लिया है, दो अलग काट लिया है मैंने। अभी मैं बताऊँगी उन प्याजों का क्या करना है कि मैंने अलग अलग काटा है। और यहाँ पे मैंने लिया है अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को हम दरदरा कूट लेंगे, हमको ग्राइंड नहीं करना है, बारीक पेस्ट नहीं बनाना है अदरक लहसुन का, इसको हमको कूटना है। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है दोस्तों, मैं यही बोलूँगी आप कूट के डालें अदरक लहसुन को। बाकी आप नहीं डाल सकते तो आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा कूटना है। बिल्कुल हमको दरदरा कूटना है। और यहाँ पे जो हमने प्याज काटी थी चार, तो दो प्याज मैंने अलग काटा था, दो प्याज अलग, तो एक प्याज को हम ले लेंगे, एक साइड के प्याज को जो दो अलग काटी थी उसको भी हम दरदरा कूट लेंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बस हमको दरदरा कूटना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसा कूट रही हूँ। तो बस हमको ऐसा ही कूटना है। और यहाँ पे मैंने लिया है खड़े मसाले। खड़े मसालों में जो भी होता है सब हमको लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया एक तेज़पत्ता, 1 इंच गरी का टुकड़ा। गरी का टुकड़ा ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और दो लाल मिर्च साबुत, और एक एक करके छोटी बड़ी इलायची, और 1 स्टार दालचीनी का टुकड़ा एक, और 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, ऐसे करके सब मसाले मैंने ले लिया है। और मसाले को भी हम कूटेंगे। मसाला भी हमको बिल्कुल दरदरा कूटना है, इससे बहुत अच्छा स्वाद होता है आता है। और इस सब्जी का मेन मसाला यही है, यही बहुत अच्छा स्वाद देता है और ये चिकन मटन भी बना देता है हमारी सब्जी को। इसको हमको बहुत बारीक नहीं कूटना है, बस हमको दरदरा ही कूटना है। तो ऐसे हम कूट लेंगे दरदरा ही। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमको कैसा कूटना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसा दरदरा कूटना है हमको। और इसको अब हम बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया हांडी सब्जी बनाने के लिए। हांडी में बहुत अच्छा स्वाद आता है गाइस। और आपको ज़रूरी नहीं है कि हांडी में ही बनाए, जिसके पास हांडी ना है वो क्या करेगा, आप कुकर तपेली किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पचफोरन मसाला 1 चम्मच। पचफोरन में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जीरा होता है, और मेथी होती है, सौंफ होती है, राई होती है, और कलौजी मसाला होता है। ये 5 चीज़ें मिल के पचफोरन मसाला हो जाते हैं। तो हमको पहले पचफोरन मसाला डाल देना है, फिर इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो याद रखना है दोस्तों कि अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, जो भी चीज़ें हम डालेंगे आधा बचा लेंगे और आधा डालेंगे यहाँ पे। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बचा लिया, आधा आधा डाल दिया। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं कुटी हुई प्याज, इसको भी आधा डाल देंगे और आधा बचा लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे कटी हुई अपनी प्याज जो हमने काट के रखा था, उसको भी आधा डाल देंगे। और हमको एक जगह सब्जियों को नहीं रखना है, बस डाल के हमको चारों तरफ फैला देना है सब्जियों को। और यहाँ पे अब हम डालेंगे टमाटर। तो दो मैंने टमाटर काट लिया था बड़े साइज का। टमाटर हमको बहुत बारीक नहीं काटना है, बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा बड़ा टुकड़ा काटा है। टमाटर को भी अच्छे से फैला देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे कटहल। तो हाँ दोस्तों, कटहल भी हम आधा ही डालेंगे, आधा बचा लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने फैलाया सब्जियों को, ऐसे आपको भी फैलाना है।
तो यहाँ पे मैंने आधा कटहल डाल दिया है, और यहाँ पे हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की पोटी। खड़े खड़े रखे लहसुन है, इसको हम डाल देंगे। हमारे घर में बहुत लोग खाना पसंद करते हैं ऐसे लहसुन, और बहुत ही टेस्टी भी लगता है ऐसे सब्जियों में रखे लहसुन डाल दें आप, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों जो लोग नहीं किए होंगे, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। आप अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो, जितना भी लोग खाते हों। मैं अपने हिसाब से 4-5 डाल दी हूँ, और यहाँ पे मैंने जो भी कटहल बचा था उसको भी डाल दिया मैंने। और हाँ गाइज, मैं भूल गई थी, यहीं पे हमको मसाला पूरा डालना है अपना। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और कुटी हुई प्याज डाल दिया, तो गलती नहीं करना है। बट इससे भी कोई वो नहीं है, बट हमको जितना ही अंदर मसाला डालते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो जब हम लहसुन की पोटी डालें ना, तभी हमको मसाला भी डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पूरे खड़े मसाले, और एक चुटकी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1.5 चम्मच गरम गरम मसाला, नहीं चाट मसाला, चिकन मसाला, सॉरी चिकन मसाला हमको डालना है 1.5 चम्मच। और अब जो बची हुई थी प्याज कटी हुई उसको डाल देना है, टमाटर डाल देंगे, मसाले को अच्छे से ढक देंगे सब्जियों से। मसाला बिल्कुल हमारा ढका हुआ होना चाहिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 खड़ी हरी मिर्च। मिर्च को हमको बिल्कुल बीच से काट के डालना है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी आपको तीखा पसंद हो, कम ज़्यादा। तो मैंने 1 मिर्च डाल दिया यहाँ पे, और खूब ढेर सारी हरी धनिया कटी हुई बारीक डाल देंगे, और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। और यहाँ पे अब डालेंगे हम 1 कटोरी भर के सरसों का तेल। हमें याद रखना है दोस्तों कि सिर्फ हमको सरसों का ही तेल डालना है, बिल्कुल प्योर तेल डालें सरसों का, और कोई तेल इसमें ना डालें। तो हमारी सब्जी पूरी तैयार है। इसमें कितना आसान है ना बनाना, कोई भी छौंका नहीं लगाना है, कुछ प्याज नहीं भूननी है, ये नहीं भूनना, वो नहीं भूनना है, बाकी सब्जियों की तरह। और हम यहाँ पे लगा देंगे एक ढक्कन। अगर कहीं ढक्कन आपका अच्छा नहीं हो, कहीं से ऐसा लग रहा है कि भाप निकलेगी, तो आप किनारे किनारे आटा भी लगा सकते हैं गूंथ के। यहाँ पे ऐसा ढक्कन लगाना जो इस पर अच्छे से सेट हो जाए और भाप ना निकले, भाप बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। मैं आप दिखा देती हूँ सब्जियों को, कितना सुंदर लग रही है सब्जी देख के, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसको रख दिया गैस पे, और ढक्कन रख देंगे। बिल्कुल हमको स्लो आंच पे सब्जी को पकाना है 1/2 घंटा के लिए। अगर आपको पानी डालना है, ग्रेवी चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सूखा सूखा लग रहा है, ग्रेवी चाहिए, तो आप 10-15 मिनट के बाद खोल के सब्जी को देख सकते हैं। आधी सब्जी अगर पक गई हो तो इसमें आप खौलता हुआ पानी डाल सकते हैं। पानी हमको बिल्कुल ठंडा नहीं डालना है, उबला हुआ पानी डालना है, तो उससे थोड़ा सा ग्रेवी हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/2 घंटा हो चुका है, मैं गैस कर दूँगी बंद, और मैं आपको दिखा देती हूँ सब्जी। आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब सब्जी लग रही है। जब मैं ऐसे हांडी खोलती हूँ ना, तो पूरा घर महक उठता है, घर क्या पूरा पड़ोस में महक जाती है। सब लोग बोलते हैं क्या बना है आपके घर में, महक रहा है बहुत तेज़ी से। और जब ऐसे हांडी खोलती हूँ तो मेरे देवर वगैरह सब लोग भी बोलते हैं कि बिल्कुल चिकन मटन का स्वाद महक आ रही है, भाभी ऐसे ही लगता है चिकन मटन, उसकी महक ऐसे लगती है। खाते हैं तो भी बोलते हैं कि खाने में भी ऐसा लगता है, भाभी आप भी खा लो। बट मैं नहीं खाती चिकन मटन, तो मेरे को नहीं पता है कि कैसा उसका स्वाद होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी चिकन मटन वाली सब्जी बनके रेडी है, तो आप भी ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है आपकी सब्जी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया सब्जी का, जितना देखने में ही अच्छी लग रही है उतना खाने में भी टेस्टी होती है दोस्तों। एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करें मेरे बताए हुए तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।